क्लास 7 चैप्टर 10 नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन 2 इज ऑफ एक्सरसाइज 10.3। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड है 6.5, बिकॉज आइसोस्केल्स ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं, ओके, और थर्ड साइड डिफरेंट होती है, दिस इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री, ओके, एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, जिस तरीके से इसमें डी ई एफ डी एन पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, तो आप लोग इसमें मन से राइट कर लेंगे, पर इसे पी क्यू आर राइट कर लेते हैं, ओके, पी क्यू आर, ठीक है, मन से रफ डायग्राम बनाकर इसमें देखना है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, तो मीन्स क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल मीन्स टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल है मीन्स दोनों 6.5 की होंगी, ठीक है। अब क्या है कि 110 है, ठीक है, अब जी बताओ जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे तो अपन 6.5 नहीं ले सकते, मीन्स ये 6.5 होगी, ओके, ये अपन ये देखिए आइसोस्केल्स ट्राइंगल मीन्स उसकी टू साइड इक्वल होती है, तो वन साइड ये, वन साइड ये, गोट इट, बस इतना समझे, और यहाँ पे क्या बना लेंगे 110 डिग्री, ठीक है, एंगल बना लेंगे, बस ये मैंने रफ डायग्राम बना समझाया है, मीन्स इस तरीके से यहाँ पे अगर अपन ने 6.5 ड्रॉ किया, ठीक है, टू साइड इक्वल होती है आइसोस्केल्स की, तो मीन्स यहाँ पे एक और होगी 6.5, ठीक है, और यहाँ पे 110 का एंगल बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ के कर पाएंगे, ओके, तो अब ये देखिए क्या बोला गया, 6.5 मीन्स 6 कंप्लीट है, और 6 और 7 के बिटवीन जो लाइन होगी वो 0.5 होगा, ओके, 0 से लेकर 6 और इन दोनों के बिटवीन जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 0.5, ओके, तो इसको पी क्यू नेम दे देते हैं, ओके, या फिर अपने हिसाब से पी क्यू आर आप लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नेम नहीं दिया है, आप लोग अपने मन से राइट कर सकते हैं, क्यू आर है तो यहाँ पे क्यू आर कितना 6.5, ठीक है, अब एंगल वो लगाया है कितना 110, ठीक है, 110, ठीक है, तो अब मैंने बताया था ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और 110 का अपन इस तरीके से एंगल बना लेंगे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको रखने के बाद जहाँ भी जीरो होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ पे 110 आएगा उसके यहाँ पे पॉइंट राइट कर देंगे, गुड इट, अब आप लोग समझ गए होंगे, और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना, इसको आगे भी ले जा सकते हैं बिकॉज ये एंगल है, ठीक है, तो आगे भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी पॉइंट आएगा उसके आगे भी, और ये कितना हो जाएगा 110 है, तो 110, ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में बोला गया कि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ओके, आइसोस्केल्स ट्राइंगल टू साइड इक्वल होती है, मैंने जिस तरीके से बताया जितनी ये होगी वही इतनी ये होगी, तो जितनी ये है उतनी ही ये होगी, क्योंकि टू साइड आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो टू साइड इक्वल होती हैं, ओके, तो ये देखिए मैंने इसको इसलिए आगे बढ़ाया ताकि ये कंप्लीट ये आर्क लग जाए, ठीक है, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब ये जो पॉइंट आएगा इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ओके, ये जो पॉइंट है क्या है, ये ऊपर पी है, तो ये इसको क्या नेम दे देंगे, पी, ठीक है, और ये कितना बनाया अपन ने 6.5 का आर्क लगाया था ये इस तरीके से, गुड, तो ये अपना ये कंप्लीट हो गया, अब इससे अपन राइट करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, लुक दिस, इस तरीके से देखिए, फर्स्ट क्या स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, मीन्स फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, ड्रा अ लाइन क्यू आर इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट 6.5, ठीक है, फर्स्ट लाइन हमेशा यही राइट करना है, अब सेकेंड पॉइंट फिर क्या किया है कि Q से ये एंगल बनाया था, Q से इस तरीके से ये एंगल बनाया था, तो इस तरीके से इसको इसकी लाइन राइट करना है, कि मीन्स Q से एंगल बनाया है तो क्या राइट करेंगे, एट पॉइंट Q, मीन्स Q से, ओके, एट पॉइंट Q ड्रा एन एंगल ऑफ 110, जो भी एंगल होगा तो इस तरीके से उसको राइट कर देंगे 110 विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ओके, एंगल बाय ओ आर इज इक्वल टू 110 बाय क्यू आर, तो मीन्स
जो ये जो इस तरीके से एंगल बनाई, जो पॉइंट राइट किया था, पॉइंट राइट करके इस तरीके से अपन ने क्या किया था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, ज्वाइन करते थे इस पॉइंट को, इसको वाई एक्स भी नेम दे सकते हैं। तो वाई क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 110। ओके, थर्ड पॉइंट इज इसके बाद क्या किया था, क्यू, ठीक है, क्यू से आर्क लगाया है, कितने का, क्यू से यहाँ से इस तरीके से आर्क लगाया था, कितना 6.5। तो इस तरीके से इसमें राइट कर देंगे, टेकिंग क्यू एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 6.5 विथ कट क्यू बार, मीन्स ये जो क्यू बार है ना, इस पे कट लगाया है, कितने का, 6.5 का, एट पॉइंट पी। तो मीन्स कट करने के बाद कौन सा पॉइंट आया, पी, ठीक है, जो भी क्रॉस होगा एट पॉइंट पी। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, पी आर को ज्वाइन किया है, तो राइट कर देंगे ज्वाइन पी आर, ठीक है। इस तरीके से आइसोस्केल्स ट्राइंगल कंप्लीट होता है। इट इज स्टार रिक्वायर आइसोस्केल्स ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल पी क्यू आर, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसके टू साइड सेम है, मीन्स इक्वल है, गॉट इट। क्वेश्चन टू कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पॉइंट इज, थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विथ विथ बी सी इज इक्वल टू 7.5, ए सी 5 है एंड एम क्या है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मीन्स क्या है, बी सी कितना है 7.5 और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल सी है 60। ध्यान से समझिएगा, जो भी एंगल हो, ठीक है, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, अगर एंगल आ जाए तो उसी को देखना पड़ता है कि वो एंगल इन दोनों में से कहाँ, सी है, सी एंगल 60 है, तो सी, अब ये देखिए बी सी है, तो बी सी में सी आ रहा है, तो मीन्स बी सी अपन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सी पर ही एंगल बनना है, गॉट इट। अब ये देखिए बी सी है, तो बी सी को अपन सी बी राइट कर सकते हैं, अगर बी सी 7.5 है, ये देखिए, अगर BC इज इक्वल टू 7.5 है, तो BC को CB भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो है ही 7.5, ठीक है, इसको आगे पीछे राइट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से अपन लाइन ड्रॉ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे CP एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आराम से एंगल बन जाएगा साइड, क्योंकि C पॉइंट पर ही बनेगा, गॉट इट। तो इस तरीके से कितना राइट करना है, बिल्कुल 7.5, 7.5 मीन्स कंप्लीट 7 है, और 7 और 8 के बिटवीन क्या होगा, 0.5 होगा, ओके। तो 0 से लेकर यहाँ तक इस तरीके से बना दिया, और यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, C और यहाँ पे D, ये कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब इसके बाद में क्या करना है, कैंपस से इसमें क्या बनाना है, एंगल बनाना है, कितना एंगल है अपना 60, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन का पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना पड़ेगा, तभी राइट होगा। लाइन के ऊपर लाइन आने से ही ये जो लाइन है, इसलिए लाइन इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां भी ये लाइन आई तो ये जीरो से स्टार्ट करना है, गॉट इट। ये जो जीरो वाली लाइन है, ये नहीं लेंगे कि ऊपर भी 60 आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ भी 60 आ रहा, कौन सा लें, कहाँ से लेंगे, इसको रखने के बाद लाइन के ऊपर लाइन, तो ये जो लाइन जा रही है अपनी, यहाँ भी जहाँ भी जीरो होगा तो जीरो से ही देखेंगे, जीरो वाली लाइन देखेंगे, जहाँ पर भी जो भी एंगल बनाना होगा उसको पॉइंट रख देंगे, तो ये 60 आ गया, ये 60 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट रख देंगे, तो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको आगे भी एंगल को पर आगे की लाइन में भी, मीन्स आगे भी लाइन बना सकते हैं, ओके। तो अब इसके बाद में क्या करना है, ये एंगल अपने पास कितना आ गया 60, ओके। अब इसके बाद में क्या बोला गया था, ये देखिए, ये अपना ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा है एसी कितना 5 सेंटीमीटर, एसी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए एसी कहाँ आएगा, ये तो बी सी भी है, तो कहाँ आना चाहिए, सी अपने पास ये है, ए कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे ए आएगा, तभी तो अपन इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो मीन्स सी से लेके ए पर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, और 5 सेंटीमीटर पहले इसको मेजर करना पड़ेगा कि 5 कहाँ आ रहा है, ये देखिए 5, 0 से लेकर 5 टोटल 5 है, पॉइंट नहीं है, तो 0 से लेकर 5 तक इस तरीके से मेजर करके इस तरीके से पॉइंट पर पॉइंट आना चाहिए, ये जो नॉक इस तरीके से, ओके, और इस पे इस तरीके से आर्क लगा, बस वन टाइम लगाना है, डबल नहीं होना है,
ठीक है, नहीं तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, ए पॉइंट आ गया। और ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बीच बिटवीन, और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो गया। ओके, तो ये कितना आर्क लगाया था अपने, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर लगाया था, तो ये अपना इस तरीके से बन गया। गॉट इट, ये कंप्लीट होता है। तो अपन राइट करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको एक्स वाई एंड इस पे नाम दे सकते हैं। ओके, तो अपनी फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, ड्रा लाइन सेगमेंट सी वी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में किया था एट पॉइंट सी। तो मीन्स ये देखिए, सी से एंगल बनाया कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें राइट कर देंगे, तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा, बाय सी बी। ओके, बाय सी बी, इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे राइट करते हैं, एट पॉइंट सी ड्रा एन एंगल ऑफ कितना, 60 डिग्री, ठीक है। विथ द प्रोटेक्टर, किसकी हेल्प से बनाया, विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। गॉट इट, डेट इज एंगल बाय सी बी, कितना बताया मैंने, 60। गॉट इट, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट सी, सी से कितना आर्क लगाया, ठीक है, सी बाय पर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लाइन इस तरीके से राइट कर देंगे, तो ये देखिए 8 पॉइंट सी, तो इसमें 8 पॉइंट सी मीन सी से। ओके, एट सेंटर ड्रा एन आर्क विथ रेडियस, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, विच कट्स, किस पर लगाया, कट क्या है यहाँ पे, सी वाई 8 पॉइंट, और ये किस पर कट हुआ है, ये देखिए ए पर कट हुआ है, क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट ए, ठीक है। ज्वाइन किसको किया, ए बी को ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन ए बी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू।